इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया घोषणा महज एक छलावा। संघ ने दिया बड़ा बयान। संघ की ओर से कहा गया, लाखों शिक्षकों के उम्मीद के विपरीत मुख्यमंत्री ने किया है घोषणा। ईपीएफ पर तो न्यायालय का न्यायाधीश पूर्व में ही आ चुका था, सरकार कर रही है गुमराह। हमारी लड़ाई नियमित शिक्षकों की भांति सेवा शर्त और वेतन मान की है, इससे कम मंजूर नहीं। नियोजित शिक्षकों को उनका न्यायोचित सम्मान सरकार दे। टीएटी एसटीएटी शिक्षकों का हो अलग कैडर। अब पूरी खबर को जानने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए अलग सेवा शर्त और ईपीएफ की घोषणा पर शिक्षक संघों ने कड़ी नाराजगी दर्ज करते हुए इसे चुनावी लॉलीपॉप करार दिया है। शिक्षकों का कहना है कि उनकी लड़ाई नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के भ्राती सेवा शर्त और वेतनमान के लिए, न कि किसी चाइनीज सेवा शर्त और लॉलीपॉप के लिए। बिहार के बाहर और नई शिक्षा नीति में भी टीएटी एसटीएटी उत्तीर्ण शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थापित करने का प्रावधान है, जबकि बिहार में सभी को एक ही तराजू पर तौला जाता है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर टीएटी एसटीएटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुड के दरभंगा जिला अध्यक्ष प्रमोद मंडल ने बताया कि बिहार के लाखों शिक्षक यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नियोजित शिक्षकों को नियोजनवाद से मुक्ति देकर उन्हें सहायक शिक्षक के दर्जा में देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने लाखों शिक्षकों के उम्मीद पर पानी फेर दिए। वहीं संघ के प्रवक्ता धनंजय झा ने बताया कि 74 दिन के ऐतिहासिक संघर्ष के उपरांत शिक्षकों में यह उम्मीद जगी थी कि उनके प्रतिनिधियों से वार्ता करके सरकार कोई ठोस पहल करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार शिक्षकों के प्रति पूर्वाग्रह और दुर्भावना से ग्रसित है। हमें नियमित शिक्षकों की भांति सेवा शर्त और वेतन मान से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, और अभी भी समय है कि मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को पूरा करें। संघ के जिला कोषाध्यक्ष शिवली अंसारी ने बताया कि सरकार कोरोना के अवसर के रूप में ले रही है, वह कोरोना का बहाना बनाकर शिक्षकों को वेतन वृद्धि से वंचित रखना चाहती है, जबकि उनके पास वित्त की कोई समस्या नहीं है। वहीं जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर रंजीत रंधीर राय ने बताया कि ईपीएफ पर हम लोग 6 महीने पूर्व ही न्यायालय से न्यायाधीश प्राप्त कर चुके हैं और सरकार की बाध्यता है उसे लागू करना। इस विषय पर वह जनता को गुमराह करना बंद करे। वहीं संघ के कार्यकारिणी सदस्य सोनू मिश्रा ने बताया कि बिहार के 4 लाख शिक्षक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकार से यह मांग करती है कि बिहार में शिक्षकों को उनके पुराने और न्यायोचित सम्मान को वापस करे, अन्यथा शिक्षक कभी अपने अपमान को भुलाकर सरकार को माफ नहीं करेंगे। यह बड़ा ही खेदजनक है कि आज़ादी के 73 वर्ष के उपरांत भी शिक्षकों को अपने मान सम्मान के लिए संघर्षरत रहना पड़ता है। सरकार शिक्षकों के साथ साथ समाज का ध्यान शिक्षकों के मूल समस्याओं से भटकाना चाहती है। वहीं संघ के कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण नायक ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में सरकार टीएटी एसटीएटी शिक्षकों को अलग संवर्ग का निर्माण कर अन्य राज्य में मिलने वाले सुविधाओं को लागू करे। बहरहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त और ईपीएफ के ऐलान के बाद नियोजित शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। यह नाराजगी किस रूप में सामने आता है आने वाला वक्त गवाह होगा। धन्यवाद।